हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसर्स टू ऑल पे। रोज़ाना के काम करने के लिए बॉडी को एक सर्टन अमाउंट में ताकत की ज़रूरत होती ही है। ताकत बॉडी को कार्बोहाइड्रेट के सही क्वांटिटी में इस्तेमाल करने से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट विशेष रूप से जिनमें गेहूँ, बाजरा, ओट्स, रागी में पाया जाता है। अगर हम सही तरीके से अपनी भूख पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि खाना ना खाने की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइस, इसलिए आज हम बात करने वाले हैं इस प्रैक्टिन 4 mg टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस टैबलेट को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं, इस टैबलेट को लेने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इस टैबलेट को कब यूज़ नहीं करना चाहिए, और गाइस इस टैबलेट को लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड जेन्युइन और सच्ची इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेन टैबलेट्स का प्राइस 30 rupees है। प्रैक्टिन टैबलेट फोकार्ट का बनाया हुआ ब्रांड है और इसके अंदर सिप्रोहेप्टिडिन 4 mg होता है। गाइस, प्रैक्टिन एक एंटी हिस्टामिन है जो बॉडी में हिस्टामिन के प्रोसेस को कम करता है। इस टैबलेट के यूजेस के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। गाइस, इस टैबलेट को आप भूख ना लगने की प्रॉब्लम में ले सकते हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम में ले सकते हैं, पित्त की प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं और बच्चों में माइग्रेन की प्रॉब्लम में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर इस टैबलेट का यूज़ भूख ना लगने की प्रॉब्लम में ज़्यादा किया जाता है। गाइस, इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को लेने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। गाइस, इस टैबलेट को लेने से आपको चक्कर आ सकते हैं, आपका मुंह सूख सकता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं और वोमिटिंग भी हो सकती है अगर आप ये टैबलेट यूज़ कर रहे हैं या फिर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर फील होता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। इस टैबलेट के प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को कब यूज़ नहीं करना चाहिए। गाइस, अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो, हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टमक अल्सर्स हो और ड्रग एलर्जी हो, मतलब कि इस टैबलेट में दिए गए सॉल्ट से एलर्जी होना, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आपका इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर इस टैबलेट को यूज़ करें, क्योंकि डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशंस देखकर इस टैबलेट को प्रेस्क्राइब करेगा। बात करते हैं इस टैबलेट के डोजेस के बारे में, तो इस टैबलेट को लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। एडल्ट्स इस टैबलेट को दिन में 3 से 4 बार इजीली यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, याद रहे, इस टैबलेट का उतना ही सेवन करें जितना कि आपको लगे कि जब तक आपकी भूख खुल गई है तब तक ही इस टैबलेट का यूज़ करें, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। और इस टैबलेट को छोड़ने का तरीका ये है, जैसे कि अगर आपको इसको दिन में 3 से 4 बार यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम कर दें। जैसे कि आज अगर आप इसको दिन में 3 बार खा रहे हैं, सुबह, दोपहर, रात में, तो इसको आप 2 बार कर दें, फिर धीरे धीरे 1 बार कर दें, तो इससे कि आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और आपकी भूख कंटिन्यू जैसे आपको लग रही है वैसे ही लगती रहेगी। और दूसरी गाइस, इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद यूज़ करें और बच्चों से इस टैबलेट को दूर रखें। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइस, ये था इस प्रैक्टिन 4 mg टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।